सो भाई फाइनली हम लोग रुक गए एक होटल में। अरे रुकना जरा, नाम बनाने दे। सो गाइस फाइनली हम लोग एक अरे 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 हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज फाइनली हम लोग एक लॉन्ग राइड पे जा रही है, हफ्ता पूरा ट्रैवल वीक में ही जा रहे हैं। एंड मैत्रेया, विक्की, गणेश, हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सर अनिल सर पिछले वीडियो में आपने देखा है, तो वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं आगे चल के। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि टाइमिंग था 5:30 एंड इट्स नाउ 6, सो लेट्स लीव नाउ। अभी तक हम लोग ये ट्रैफिक में फंसे हैं, 10 से भी ज़्यादा हो गया है। और मेन मतलब एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि जो कार वाले हैं तो वो भी छोटे छोटे से लेन में डाल रहे हैं। मतलब नहीं, गाड़ी नहीं जाएगा फिर भी डालेंगे। तो टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, अनिल सर भी आएंगे तो उनको भी यहीं पे बुला लूँगा मैं। एंड मुझे भी थोड़ा हल्का होना है। अगर अच्छा है हल्का होना, फटाफट लगे ना, लेट नहीं होना। स्वामी में जो नायगांव से थोड़ा आगे है, जहाँ पे नाश्ता के लिए नाश्ता करने के लिए रुके हैं। वो वाला है, अभी मिसल पाव ऑर्डर किया है, वो खाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। अनिल सर भी पास में पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। और ऑलमोस्ट 6-7 घंटा लगने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। चलो नाश्ता हो चुका है, तो अनिल सर कहाँ पे मालूम नहीं, बट हम लोग निकल रहे हैं अभी धीरे धीरे आगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा जाने को, मोर 7 आवर्स टू गो। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लोग हैं वो फास्टैग बना के दे रहे हैं, क्योंकि अभी हर टोल नाका पे फास्टैग ज़रूरी है, तो दैट्स व्हाई दे आर शॉपिंग। 200 रुपये आता है अपने अकाउंट में और 100 रुपये का टैग रहता है, ऐसा कुछ तो बोला उसने। दिस गाय इज ऑल्सो डूइंग द सेम, आई थिंक ही इज यूजिंग द लाइसेंस एंड आरसी फॉर द डिटेल्स, कार डिटेल्स। Moments later. Anil sir, finally मिल गए हम लोग। ये मिलाप की कहानी जो है मैं आपको 50 किलोमीटर, ये मिलाप की जो भी कहानी है मैं आपको पहुंचने के बाद विस्तार में बताता हूँ ये कैसे आए। और मेन मतलब ये हमसे लेट निकले और पहले पहुंचे, निकलते अभी। Finally we have entered Gujarat
सो गाइज फाइनली हम लोग अभी एक लंच ब्रेक के लिए रुके हैं एंड दिस इज द व्यू. ये होटल है एंड इट्स 2:30 राइट नाउ. यहाँ से और 3 घंटा लगने वाला है हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए. तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, तब तक आप टाइम लैप्स देखो और डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आपको. बाई. एकदम सही लगा खाना खा के. अगर आप भी ये रूट से आ रहे हो, सूरत के थोड़ा पहले है ये, वहीं पे ये जेडी रेस्टोरेंट करके है एंड सीरियसली द फूड इज़ गुड. क्वालिटी क्वांटिटी भी अच्छी है. तो अगर कभी भी आप ये रूट से जा रहे हो आ रहे हो तो यू कैन हैव अ लंच और डिनर हियर. एंड बस अभी निकलते हैं और 3 घंटा लगने वाला है हमें, 3 से 3.5 घंटा. देखो जब डेस्टिनेशन पास में आता रहता है तो बहुत घाई होती है जल्दी पहुंचने की एंड सेम अभी मुझे हो रहा है. सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है. हाउ कैन वी कोप अप, कैन वी बीट गूगल मैप. एंड अपना ये भाई पहले से ही यहाँ पे आके खड़ा है. विक्की अरे मैं वी वी चलो निकल गए. बस 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 गूगल पे है मेरा. हाँ ठीक है, ये लगना चाहिए ना, अभी लगेगा नहीं नहीं बस हो गया. तो गाइस आप देख सकते हो कितना 905.24 905 मतलब 11.905.24 आप देख सकते हो कि टिकट और सिंगल राइड में. सो गाइज दिस इज रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और ये लोग मैत्रिया हेलो ट्रांसफर कर रहा है फाइल्स.
बहुत ज़रूरी है डेटा ट्रांसफ़र, नहीं तो क्लिप्स कैसे बनेंगे आप, ब्लॉग्स कैसे देखोगे? तो टाइम पे ब्लॉग आना ज़रूरी है। वीकली इंस्टाग्राम आई गेस, और सर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सुबह की जो कहानी थी मैं आपको अभी बताता हूँ कि सर को मैंने कल पूछा रात को, मेरे बाइक के बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो इनके वजह से आज मैं राइड पे आ पाया बेसिकली। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्चुअली। एवरी टाइम नो थैंक यू, नो सॉरी। नहीं नहीं एक्चुअली कुछ नहीं था, थोड़ा सा इशू हो गया था बाइक में, वो हो गया सॉर्ट आउट। तो तभी इसने मेरे को बोला कि चलते तो अच्छा लगता, फिर मैं कहा चलो यार, फिर एक कंपनी होती है तो फिर इसके लिए मैं भी आ गया, चलो चलते हैं। तो सुबह सर ने मेरे को उठाने के लिए फ़ोन किया कि उठो तुमको राइड पे जाना है, एंड इनको बोला मैंने चली लो अभी इतना है। हम लोग आगे निकले और सर फिर सर ने बाद में ज्वाइन किया। यस, मैंने इनको जो है ज्वाइन किया अहुरा होटल में, हम लोग मिले आके, क्योंकि बीच में मेरे को ट्रैफिक लग गया था। फिर मैं इनको बोला कि आप मूव ऑन करो, फिर इन लोग जब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया तभी तक हम लोग फिर अहुरा होटल में पहुँच के वहाँ से फिर जो है एक साथ जो है राइड स्टार्ट किया, और काफ़ी मज़ा आया। सो फार सो गुड, राइड बहुत अच्छा था टिल नाउ, अभी तक मज़ा आ रहा है। और अभी ऑर्डर किया है फूड, तो फूड दिखा देगा, फिर खाते हुए आपसे बात करते हैं और फिर उसके बाद एंड करेंगे। एक्चुअली खाते वक्त खाऊंगा और सो जाऊंगा मैं क्योंकि फुल्ली एग्जॉस्टेड है हम लोग। एंड दूसरी बात, मतलब ट्रैफिक बहुत गंदा था इन सम पैचेस, और गुजरात हाईवे पे भूल जाओ, मतलब कैसे भी चलाते हैं, बट फिर भी बहुत मजा आया। एंड यस, सभी हम दोनों फन कर रहे थे क्योंकि सेम बाइक्स थी, राइट। सो हम लोग आगे निकल जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर ये आते थे, दोनों बहुत मजा आया। और कुछ बोलना है बाकी गाइज? फ्रेंड को जो है प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसका वीडियो, लड़का मेहनत कर रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। लाइक तो दूर की बात है, सब्सक्राइब मेन है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइज, प्लीज। सो सी यू गाइज, मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, मिलेंगे। मैं अभी यही पे एंड करूँगा, आपको जो बाकी का बाहर का जो सीन है वो कल के व्लॉग में देखने मिल जाएगा। द रूम्स आर क्वाइट गुड एंड चीपर, सब एकदम बढ़िया है। सो एंडिंग दिस व्लॉग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा सब्सक्राइब कर दो, और एज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ।